मिलूंगी जन्म दोबारा दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा लगी। महाराज अगले जन्म में मैं जरूर मिलूंगी। आज अंबालिका ने आत्महत्या कर ली, अगले जन्म में परीक्षित जी यही सिकंडी बनी थी। सिकंडी जानते हो किससे कहते हैं? बाणों की सैया पर जो सुलाया था भीष्म पितामह को, वही सिकंडी बनी थी। कहने लगे तुम्हें अपने ऊपर जरूर लिटाएंगे। आज आत्महत्या करके वो तो चली गई, अब वो दूसरे जन्म में सिकंडी बनी, सब पितामह को बाणों के ऊपर सुनाया। अब इधर आ जाइए, इधर अम्बा के महाराज पंड पैदा हुए, अंबिका के दशराष्ट्र की शादी गंधारी के साथ में हुई, गंड की शादी कुंती के साथ में हुई। धीरे धीरे समय बीता, कुंती के दो बच्चों ने जन्म ले लिया, और समय बीता, और ये सतपाल भैया कहां से? खेड़ा बजेरा से आए हुए हैं। ये करे का नाम गोपाल भैया बजेरा से आए हुए 11 रुपए दान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। अब द्विशाल को गर्भ राय तो बाने गिराए दो। गुस्सा में गंधारी ने बोली, बाके तीन लड़का पैदा हो गए, मेरे कछु नहीं पैदा बहु। गर्भ गिरा दिया, का दासी से फेंकिया उधर। तो आज तब तक ब्याज जी आए, और ब्याज जी आए, ब्याज जी कहने लगे गंधारी बहुत गलत किया तुमने, ये जो गर्भ गिरा दिया। बोले तो क्या करें? बोले एक लोटे में जल मंगाओ। जल मंगाया गया, हाथ में लिया, उसमें छींटे मारे, 101 मास के टुकड़े हो गए, 101 घड़ा मंगवाए गए, गाय का घी भरवाया गया, हर घड़े में एक एक टुकड़ रखा गया। परीक्षित जी तो उसके एक महीना हुआ तो उनमें धीरे धीरे से थोड़े बच्चे होने लगे। एक साल के बाद जब वो घड़े खोले गए तो दुर्योधन के साथ 101 भाई पैदा हुए। परीक्षित जी, कौरव तो 100 भाई थे, लेकिन ये एक कौन था? एक लड़की थी जिसका नाम दुशाला था, जिसकी शादी कौरवों ने जयद्रथ के साथ में की थी। वही जयद्रथ चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु का वध किया था जिसने। लेकिन अर्जुन ने भी ये शपथ ली थी, जा जयद्रथ, सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने तुझे नहीं मार दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं तो इस अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुतियां दे देंगे। अब परीक्षित जी, सूर्य अस्त होने से पहले ही भगवान कन्हैया ने जयद्रथ को आगे कर दिया, अर्जुन ने सर को काट लिया, तभी से ये युद्ध चला रहा है।